हेलो गाइस, फाइनली आज करवा चौथ आ ही चुका है। इस वक्त पौने चार हो रहे हैं, सर्गी की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ। ओके, हाइडी दे दो, दे दूंगी मैं आपको। अलीशा जाग चुकी है, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया सर्गी प्रिपेयर करना, बट स्टिल मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी चाय रखी है, साथ में फेनिया बनाने के लिए रखी है, तो बस अभी वो रेडी हो रही है। अभी मैंने अपनी सर्गी प्रिपेयर कर ली है। मैंने अपनी सर्गी में फेनिया बनाई है और 1 कप चाय, चाय वो भी दूध पत्ती वाली चाय बनाई हुई है। साथ में हमने कुछ थोड़ी सी मठिया ले ली है। मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी इस वक्त, इतनी मुझे भूख नहीं है। मम्मी होते यहाँ पे तो शायद बहुत अच्छे से हम प्रिपरेशन करते, काफ़ी सारी आइटम रखते, क्योंकि जब कोई साथ होता है तो आपका दिल करता है खाने का, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिल बिल्कुल नहीं करता खाने का, क्योंकि आपका मन ही नहीं होता। और मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि हमेशा उनके साथ ही सेलिब्रेट याद किया है। आया और ईशा आपको जागी हुई है तो देखो हाल, फ़ोन पर लगे हुए आजकल के बच्चे, और सुबह सुबह तंग कर दिया है। मुझे सर्गी प्रिपेयर करने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। नितिन सोए हुए हैं, नितिन वैसे ही बहुत लेट सोए थे, तो मैंने उनको डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। और अभी बस टाइम हो रहा है, इससे पहले टाइम हो सुबह की छलक दिखाई दे, मैं अपनी सर्गी करती हूँ फिनिश, फिर आपसे मिलती हूँ। मॉर्निंग सर्गी लेने के बाद हम थोड़ा सो गए थे क्योंकि अलीशा जागी थी और उसको सुलाना ज़रूरी था। अगर वो सोएगी नहीं तो चिड़चिड़ी रहेगी, क्योंकि पौने चार हो रहे थे और उस वक्त उसको जगा के कोई फ़ायदा नहीं था। मुझे भी उसके बाद नींद नहीं आई, लेकिन नितिन ने मुझे कहा कि थोड़ा सा नैप ले लो सोनी, क्योंकि थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, व्रत है आपका। तो मैं फाइनली उनके कहने पर सो गई थी। अभी जस्ट हम फ्रेश हुए हैं, तो थोड़ी देर में मैं नितिन का नाश्ता नाश्ता जो है प्रिपेयर करने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने ब्रेकफास्ट करना है, अलीशिया ने भी साथ में उनके करना है। उसके बाद थोड़ा सा तैयारियाँ श्यारियाँ चलेंगी हमारी, और शायद प्रियंका दी भी आएंगे और उन्होंने मेकअप करवाना है। मैं उनका मेकअप जरूर दिखाऊंगी आपको। एंड जो फाइनली मैंने ड्रेस परचेज की है वो मैं आपको आज रिवील करने वाली हूँ वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि मैंने कब कहाँ कैसे शॉपिंग की है और क्या परचेज किया है। तो गाइज अभी ना यहाँ पे मैंने बताया था ना प्रियंका दी आने वाले हैं, तो वो आ चुके हैं एंड बस इनका मेकअप करूंगी मैं, और साथ में पीहू भी आई है। पीहू बहुत एक्साइटेड थी मुझसे मिलने के लिए, कहती कि मम्मी के घर मैं भी जाऊंगी। करवा चौथ मम्मी गए तो क्या करूँ, मैं तो घूमने जाऊंगी, अलीशा से मिलने जाऊंगी। अलीशा तो बहुत खुश हो रही है। तो गाइज मैं अभी उनका मेकअप करती हूँ और बस उनका मेकअप में फाइनल लुक उनको दिखाती हूँ, आप सभी को दिखाती हूँ। करवा चौथ का दिन है और मौसम एकदम बारिश वाला हुआ पड़ा है, इतना सुहाना मौसम और काले बादल छाए हुए हैं, तो ये तो एक अजीब सी चीज होती लग रही है मेरे को। आज पता नहीं अब इनका चांद निकल भी पाएगा या नहीं, क्योंकि जिस तरह मौसम का लुक और प्रभाव नजर आ रहा है उससे तो लग नहीं रहा है कि ऐसा लग रहा है पूरा दिन बारिश ही रहने वाली है, और अभी पूरा काले बादल छा चुके हैं। इतना ठंडा मौसम हो चुका है कि इनके करवा चौथ से आज चांद मुझे लग रहा है कि कुछ नाराजगी ना दिखा दे, क्योंकि बादल उनको कवर अप कर लेंगे चांद को। तो लेट्स सी क्या शाम का सीन रहता है। बाकी उधर सोनी वो देख रहे हो आप, दी आया तो उनका मेकअप कर रही है अभी। मैंने दी का मेकअप कर दिया है, तो ये रहे इनका फाइनल लुक। गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कैसे लग रहे हैं आपको, आईज आईज डाउन। सो इनका ये पूरा है जो लुक है इनका करवा चौथ और अभी बस अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं रह गई हूँ और मुझे लगता है टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं, तो मैं बस करती हूँ तैयारी। मेरा करवा चौथ लुक ये रहा आपके सामने। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने जो परचेज किया है वो ये ड्रेस है, एंड मैं नितिन को कैमरा पकड़ाऊंगी तो वो आपको फुल व्यू दिखाएंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ और किस तरह से मैंने अपना लुक कैरी किया हुआ है। एक्चुअली बारिश बहुत तेज हो रही है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे गली भरी हुई है, और हम तैयार हुए हुए हैं और मुझे नहीं पता क्या हाल होने वाला है, क्योंकि अभी नितिन गाड़ी लेने गए हैं, यहाँ पे लेके आएंगे फिर हम जाएंगे, और अभी कोई पता नहीं है कि पंडित जी टाइम पे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज चांद निकलेगा अभी कि नहीं, और नहीं निकलेगा तो हम क्या करें। बैठ चुकी अलीशा सोई हुई थी, मैंने उसको बेचारी को जबरदस्ती उठाया कि चल बेटा अभी चलना है, हमें लेट हो रही है। विशुदी एक्चुअली कथा में जा चुके हैं, वो बस हमारा वहाँ पे वेट कर रहे हैं।
मतलब इतनी बारिश में आज करवा चौथ का मजा ही अलग है। और अभी हम बस दी के घर जा रहे हैं, पहुंच गए हैं एंड मैं आ गई हूँ। आफ्टर पूजा एंड कथा सेल्फी सेशन चल रहा है क्योंकि दी सेल्फी ले रहे हैं, कहते हैं चलो सेल्फी लेकर आपको मैं वीडियो में कैद करना चाहूँगी, सेल्फी तो बात की बात है। एंड यस ये मेरी मेहंदी है, इसमें मैंने जो लिखा है पढ़ के सुनाइएगा है और दी भी अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है, हम बालकनी में खड़े हैं, बालकनी में खड़े हो गए, बारिश का मजा भी ले रहे हैं और कथा फेस्टिवल काफी मजा ले रहे हैं। फाइनली दी आपको कैसा लग रहा है आपका मेकअप और प्लस करना चाहते ये जो सोनी मैडम है, सोनी मैडम ने कमाल ही किया होगा, आप जानते ही हैं सोनी को, सोनी अपने मेकअप के लिए वैसे ही फेमस है। और बस अब मज़े अभी हम क्या सोच रहे हैं, अभी हमने चाय लेनी है, चाय लेनी है, अभी हम पूजा करके आए हैं और अभी हम चाय वाय लेंगे तो फिर उसके बाद हम दोबारा से अपना फोटो सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बस अभी हम कथा के बाद चाय पी रहे हैं, उसके बाद चांद का भी इंतजार कर रहे हैं और आज लगता है चांद जी लेट आएंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल लेट आएंगे, बारिश की वजह से चांद छुप गया है बादलों में। और गाना है इसका, हाँ चांद के पीछे गाना भी है, चांद भी शर्मा आ गया, नहीं पूजा भट्ट का गाना है, बादलों में छुप गया है चांद क्यों, चांद क्यों बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, अपनी ही किसी अदा से पूछ लो, पूछ लेती हूँ अगर सच में पता चल जाएगा तो आपको भी बता दूंगी कि क्यों छुपा हुआ है चांद। कथा के बाद चाय पी ली, चाय पीने के बाद हमने फोटो सेशन भी कर लिया, फोटो सेशन के बाद हम फाइनली अपने छत पे आए हैं और छत पे आने के बाद गाइज मैं क्या देख रही हूँ वो देखो, बहुत ही खूबसूरत सा सूरज का जो नज़ारा है ना, मतलब माइंड ब्लोइंग, इतना अच्छा लग रहा है ना सूरज को देख के, जान में जान आई है कि चांद जी हमारे आज रात को दर्शन दे ही देंगे फाइनली। और आप मेरा गला देख रहे हैं, मेरा गला थोड़ा बैठ चुका है क्योंकि शायद कुछ पानी या कुछ ना अंदर जाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। एंड मैं नितिन को भी, नितिन नीचे है, अलीशा को संभाल रहे हैं आज के दिन, आज के दिन मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस रानी बन के एंजॉय कर रही हूँ, नितिन अलीशा को संभाल रहे हैं, बस रिन से मिलते हैं एंड कुछ मैं उनके साथ ही फोटो सेशन कर लूँ क्योंकि अभी तक तो हमने जो किए हैं फ्रेंड सर्कल में ही फोटोज ली हुई हैं, अब मैं हस्बैंड्स के साथ हम दोनों फोटोज लेंगे। वेट करते कराते लेकिन अभी तक चांद जी ने दर्शन नहीं दिए हैं, बहुत थक चुके हैं, आवाज़ से आपको हमें पता चल ही चुका होगा कि हम कितने डल लग रहे हैं, साउंड कर रहे हैं और सर भी थोड़ा सा ना भारी भारी हो रहा है, जिन्होंने व्रत रखा है वो हमारी हालत समझ सकते हैं। एंड बस हमने पहले सोचा था कि घर पे ही करते हैं, बारिश हो रही थी लेकिन फाइनली बारिश रुक गई है तो हम अब बाहर ही डिनर करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले चांद जी को अर्घ दे दें, व्रत खोल के ही हम वहाँ पे जाएंगे। और चांद का बड़ी बेसब्री से वेट हो रहा है, यहाँ पे प्रियंका दी हैं जो बड़ा मतलब वेट कर रहे हैं, कब आएगा चांद, कब आएगा चांद, कब आएगा चांद, कब आएगा चांद, मुंह से यही शब्द निकल रहे हैं बस, सीरियसली कुछ नहीं हम सोच रहे, बड़ा मतलब ये हो रहा है कि जब भूख इतनी लग रही है लेकिन इस चीज को भूख से नहीं करेंगे, व्रत है, व्रत किया है तो उसे कंप्लीट तो करेंगे। और हम बार बार पीहू को भी तंग कर रहे हैं, पीहू आओ अपनी शक्ल दिखाओ, पीहू को बोल रहे हैं कि छत पे जाके चांद को देख के आ कि चांद नहीं आया, हम इसको बार बार ना अपने छोटे प्राणी को भगाए जा रहे हैं कि जा बेटा चांद देख के आ, चांद देख के आ, ये बेचारी जाती है थक हार के बाबा की
नहीं आया। अब हम चांद ये कुछ कहना चाहती है चांद। हाँ चांद अभी वेस्ट को है, अभी नॉर्थ में आना है उसने, पापा ने अभी बताया। ओके ये कौन सी टेक्निक है भाई हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि चांद अभी तक नहीं आया। अगर आएगा तो सामने आएगा वरना नहीं आएगा, और हम चांद को देखे बिना तो अंत नहीं दे सकते। हम अपनी अपनी थालियां तैयार करके बैठे हैं, जल्दी जल्दी चांद आए और हम अपना घर खोले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद फिर हम सीधा डिनर करेंगे और डिनर पे ही हम आपसे बातें करते हैं। आ चुके हैं, ये होटल रजेंटा है एंड चांद के बाद हम फाइनली डिनर करने के लिए आए हैं। बहुत ज़्यादा म्यूजिक लाउड है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी एंड आप जो है देख सकते हो मेरे पीछे जो है रश है काफ़ी। मैं अब इस ब्लॉग का एंड करने चाह रही हूँ। आप सभी लोग प्लीज गाइस इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग, और मेरे लुक्स के बारे में भी जरूर बताइएगा। सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। प्लीज गाइस थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।